लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अब भयानक ने वहाँ पर एक और चाल चल दी थी और वहीं दूसरी तरफ अभी महाराज सुल्तान सीधे कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर अभी रोहन स्टे करा हुआ था जो कि अभी बीबी क्लब के साथ में आया हुआ था और वहाँ पर वह उसको लेने के लिए आए थे क्योंकि उनका वह एक ट्रिप था। और वहीं पर उसके बाद में एक कॉम्बैट मास्टर रोहन के पास में चला जाता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। महल के अंदर सुल्तान ने पहले ही अभी रोहन को अपनी बातों के अंदर फैला फुसला लिया था। उसने वहाँ पर उसको बहुत सारे उपहार दे दिए थे। उसने कई सारे केंद्रीय हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स और उसके साथ में उसके लिए एक फिस्ट हथियार भी दिया था जिसको देखकर मोहन बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि उसने मना तो किया था लेकिन बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती करने के बाद में आखिरकार सुल्तान ने उसको वह देने के लिए बहुत ही ज्यादा दबाव भी डाला था। इसकी वजह से फिर उन्होंने वह ले ही लिया था। इसके अलावा यह देखते हुए कैसे वो वहाँ पर विपिन के साथ में जो भी मुठभेड़ हुई थी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ी चिंता के अंदर थे, इसी वजह से रोहन ने वहाँ पर चलने के लिए हाँ भी कर दिया था। इसके अलावा सुल्तान वहाँ पर उसे अपनी सभी बेटियों से भी मिलाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर वह बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी और उनकी शादी भी वह उनसे करवा सकता था। और वहीं अब महल के अंदर रोहन और सुल्तान दोनों आ रहे थे। हालांकि जैसे वह अंदर घुसने वाले थे कि अचानक से उनके सामने एक जना आ जाता है। वह कोई और नहीं था, वह यश था। यश जल्दी से आगे बढ़ता है और वह रोहन से कहता है, हेलो रोहन, कैसे हो? अच्छा तो आप हैं विपिन के डायरेक्ट स्टूडेंट? यश की वो बात सुनने के बाद में रोहन ने भी उसे कहा, हाँ हाँ मैं ही हूँ, आप कौन? यश ने अपने परिचय देते हुए उससे कहा, मैं 77वां राजकुमार हूँ और मेरा नाम यश है। यश वही है जहाँ पर विपिन उससे टेंस स्कूल के अंदर मिला था और विपिन ने उसकी बहुत ज्यादा मदद भी की थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रोहन ने ये सुना कि वह उसके टीचर का एक दोस्त था तो उसके साथ में वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और वह कहता है, मुझे माफ करिएगा सीनियर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप मेरे टीचर एक अच्छे दोस्त हैं। और ये बाद में रोहन उसे ग्रीट करने लगता है। रोहन को ऐसा करते हुए देखकर यश ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में दोनों वहाँ पर बहुत देर तक लंबी चौड़ी बातें करने लगे जैसे कि लड़कियां करती रहती हैं। उसके बाद में अचानक से वहाँ पर सुंदर सुंदर राजकुमारियां आती है। वह बिल्कुल परियों की तरह थी, हालांकि अभी भी विधि से इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। जल्द ही वहाँ पर वह सभी राजकुमारियां रोहन को बहुत सारी शराब पिलाने लगी। हालांकि अब रोहन बहुत ही ज्यादा शराब पी चुका था, उसकी वजह से अब उसके कदम वहाँ पर लड़खड़ाने लगे थे। हालांकि थोड़ी देर लड़खड़ाने के बाद में आखिरकार वह जमीन के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है। हालांकि वही रोहन को इस तरह से जमीन के ऊपर गिरते हुए देखकर यश आगे बढ़ता है और वो उसको संभालने वाला था कि अचानक से सुल्तान कहता है, तुम्हें आगे बढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहीं पर ही रुक जाओ। सुल्तान की आंखों के अंदर अभी बहुत ही गहरी चमक थी, ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी आंखों के अंदर सितारे लगा दिए हों। सैनिकों जल्दी से इधर आओ और इसको यहाँ पर बंधक बना लो और जल्दी से जाकर इसे अंडरग्राउंड जेल के अंदर बंद कर दो। उसकी वो बात सुनते ही कुछ फेरेदार वहाँ से झटपट भागते हुए आते हैं और वो वहाँ पर रोहन को पकड़ लेते हैं। हालांकि वही उसके उस पिता को ऐसा करते हुए देखकर यश ने उससे पूछा, लेकिन पिताजी आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको कोई जवाब न देते हुए सुल्तान ने उससे कहा, तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें फालतू में इसके अंदर दखलअंदाजी करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी धोखनी सुनने के बाद में यश चुप हो गया। हालांकि वो वहाँ पर ऐसे चुप तोड़ना बैठ सकता था, लेकिन पापा आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना विपिन एक कितना पावरफुल इंसान है और ये उसका डायरेक्ट स्टूडेंट है और उन्होंने किस तरह से उस मास्टर टीचर पवेलियन को धराशायी कर दिया था। वहाँ पर यश अभी अपने सामने खड़े हुए सुल्तान को समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसके आधे रास्ते में सुल्तान ने उसको रोक दिया, बस मैंने जो कहा वो कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो और अगर तुम अभी भी इस मामले के अंदर अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हो तो उसके बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही अत्याचार कर दिया। सुल्तान के चेहरे के ऊपर अभी गुस्सा देखा जा सकता था कि वास्तव में कैसे वह अभी यश की उन सभी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था। 77वां राजकुमार यानी कि यश शाही महल के अंदर काम करने वाली दासियों में से एक था और वह उनमें से एक से पैदा हुआ था, इसी वजह से यश का कद वहाँ पर इतना ऊंचा नहीं था। हालांकि फिर भी उसने अपने पिता की वहाँ पर मदद करने के लिए और उसके सामने अपना एक नाम क्रिएट करने के लिए उसने सफलतापूर्वक 7-स्टार लोहार की परीक्षा को पास किया था और अपनी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आखिरकार उसने अपनी 7 लेवल स्टेज 3 के लेवल को भी आगे बढ़ाया था। हालांकि उसने यहाँ पर यह सोचा था कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में आखिरकार वह शायद दूसरों के सामने अपना सम्मान जीत पाएगा, लेकिन कौन जानता था, यश को इसका बिल्कुल भी नहीं पता था कि वास्तव में उसका ऐसा करना उसके जान के ऊपर ही बनाएगा। वहां पर उसके दूसरे भाइयों ने उसको वहां पर एक जहर दे दिया था जिस
जिसकी वजह से वहां पर उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तब यश को जाकर समझ में आया था कि शाही परिवार के अंदर रिश्तेदारी नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। ये जितने भी रिश्ते हुआ करते थे वह केवल अपने मतलब के हुआ करते थे। इसी वजह से तो यश हमेशा से वहां पर वेश्याओं के घर के अंदर पड़ा रहता था, क्योंकि वह उनके साथ में ज्यादा रिलैक्स रहा करता था। हालांकि वह सब तो केवल एक दिखावा था, असल में वह तो वहां पर बस अपना ध्यान थोड़ा सा अलग रखना चाहता था, और इससे अलग वह अपने आप को इस महल से दूर भी रखना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह वास्तव में यहाँ पर अंदर आकर फिर से अपना हस्तक्षेप करता है और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिर से जो इसके साथ में कॉम्पिटिशन चल रहा था, राजकुमार कौन बनेगा और राजा यहाँ का असली कौन बनने वाला है, इसके अंदर शायद ये भी हो सकता था कि वो बीच में फंस जाता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। हालांकि इसके अलावा यश को अपने सभी भाइयों के बारे में पता था कि वो कितने ज्यादा शातिरता से काम किया करते थे और वह उसके बारे में पूरी तरह से बेखबर था। हालांकि वहां पर उसने अपनी आंखें बंद करने का विकल्प चुना और इसी वजह से उसने ये सोचा था कि विपिन से जान पहचान वह उसके पिता के अंदर एक सम्मान पैदा कर सकता था, लेकिन उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि वह वहां पर आकर वह विपिन के डायरेक्ट स्टूडेंट को वहां पर बंदी बना लेगा। और थोड़े समय विपिन के साथ में रहने के बाद में यश को ये तो पता चल ही चुका था कि जो विपिन था ना वह अपने आसपास के लोगों के लिए कितना ज्यादा सुरक्षात्मक रहा करता था। बात ऐसी थी अगर कोई छोटा सा कतरा भी उनके ऊपर आन पड़ता तो उसके बाद में तो विपिन एक दानव बन जाया करता था। और यश जानता था कि अगर यहाँ पर वास्तव में इस रोहन को कुछ हो जाता है तो उसके बाद में विपिन इस पूरे रोसात साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अगर वास्तव में यहाँ पर ज्यादा देर हो गई तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मुझे जल्दी से इसके बारे में जाकर विपिन को बताना होगा, शायद इनके बीच में कुछ कहासुनी चल रही होगी, ये अच्छा मौका होगा कि इन दोनों के बीच में इस कहासुनी को खत्म कर दिया जाए ताकि यहाँ पर सभी सभी ठीक से रह सके। यश इतना सोचने के बाद में अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि विपिन ये इस तरह के पराक्रम को देखने के बाद में यह समझ चुका था कि इस तरह के व्यक्ति को कभी भी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो उसको एक दोस्त बनाकर रखो। इतना सोचने के बाद में जल्दी से यश वहां से चुपचाप से बाहर निकल जाता है। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगती कि यश वहां से जा चुका था और वो जल्द ही अब कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल की तरफ बढ़ने लगा था। यश जब शाही महल से बाहर निकला था तो उससे पहले उसने पहले ही अपने सारे वस्त्र चेंज कर लिए थे, क्योंकि वो वहां पर किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि शाही परिवार का कोई सदस्य बाहर गया था। यश कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल पहुंच चुका था और वह इधर उधर विपिन को ढूंढ रहा था कि अचानक से एक लड़ाकू मास्टर उसके सामने आता है और वो उससे पूछता है, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिरकार आप अभी किसको ढूंढ रहे हैं? उसकी आवाज सुनने के बाद में यश ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ मैं विपिन का एक अच्छा दोस्त हूँ और मैं अभी वहाँ पर विपिन से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। अच्छा तो आप विपिन के परिचित हैं, आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए किसी को लेकर आता हूँ। क्योंकि अभी वो लड़ाकू मास्टर यश के चेहरे के ऊपर बेचैनी देख सकता था और जब उसने विपिन के बारे में सुना तो वो वहाँ पर उसके बीच में कोई भी ढील नहीं दे सकता था। जल्द ही लड़ाकू मास्टर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से थोड़ी देर जाने के बाद में वो वापस लौट आता है। इस बार उसके साथ में एक मोटा आदमी आया हुआ था। वह मोटा व्यक्ति जल्दी से आगे बढ़ता है और वह यश से कहता है, यश से मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम मोहन है और मैं विपिन का बटलर हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या आए हैं और आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? मोहन ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में यश से पूछा। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि जो व्यक्ति अभी अभी उसके सामने आया था वह विपिन नहीं था, वह उसका बटलर था, तो उसको देखने के बाद में यश थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वहीं घबराने सा लगता है। क्षमा करें बटलर मोहन, लेकिन मैं वास्तव में यहाँ पर अभी विपिन से मिलने के लिए आया हूँ, मुझे उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताना है, इसी वजह से आप जल्दी से उन्हें यहाँ पर बुला लाइए, यश ने जल्दी जल्दी से मोहन से कहा। हालांकि मोहन ने जब उसकी वो बात सुनी तो उसने उसे जवाब दिया, यश भाई बात कुछ ऐसी है कि आप यहाँ पर मास्टर विपिन से मिलने के लिए तो आ गए हैं, हालांकि छोटे मालिक अभी यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं आपको मिलाऊंगा कैसे, क्योंकि वह अभी एकांत के अंदर अपनी साधना करने के लिए गए हुए हैं, इसी वजह से मुझे माफ करिएगा लेकिन मैं अभी उनको वहाँ से कुछ भी नहीं बुला सकता। हाँ अगर आपके पास में वास्तव में छोटे मालिक के लिए कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो आप बेझिझक मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इतना कहने के बाद में जल्दी से मोहन ने अपना हाथ हिलाया और अपना हाथ हिलाते जल्दी से उसके चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ मोहन को ऐसा करते हुए देखकर अभी यश बहुत ज्यादा झिझक कर रहा था। हालांकि उसके बाद में ये देखते हुए कि कैसे उसके चारों तरफ एक बैरियर बन गया था और उसके सामने अभी
विपिन का बटलर खड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसने उससे कहा, बटलर मोहन, बात कुछ ऐसी है कि जो विपिन के डायरेक्ट स्टूडेंट रोहन है ना, उनको मेरे पापा यानी कि महाराज सुल्तान ने वहाँ पर अपने कैद के अंदर रख लिया है। हालांकि यश ने वहाँ पर ऐसे शब्द कहे थे कि वहाँ पर मोहन पूरी तरह से दंग रह जाता है। क्या क्या कहा आपने? क्या वास्तव में वहाँ पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है?